नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं आपके साथ चंदन चौबे। पेश हूं फिर से खास पेशकश को लेकर, खास अंदाज को लेकर, जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद है जदयू के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी। स्वागत है सर आपका न्यूज प्लस 24। सर आपसे पहला सवाल कि आप करीबन 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो इस बार आपका ऐसा क्या विशेष मुद्दा है जिसको लेकर इस बार फिर से उतरना चाह रहे हैं? देखिए, लालगंज मेरा घर है, मेरा कर्मभूमि है। मैं यहाँ लोगों के साथ लालगंज के तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों के साथ, लालगंज के साथ मन क्रम वचन से जुड़ा हूँ। यहाँ का सेवा मैंने किया है 20 वर्षों तक और मैं फिर करूँगा। लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद जब तक मिलता रहेगा तब तक मैं करूँगा। वर्तमान विधायक जो राजकुमार शाह जी हैं, उनके कार्यकाल में क्या स्वर्णिम विकास हो पाया लालगंज? देखिए, पिछले 5 साल में मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ये मेरा प्रश्न भी है। अपने लालगंज से, लालगंज के तमाम आम आवाम से, तमाम विभिन्न नौजवान माता बहनों से, कि लालगंज 15 के 15 तक जहाँ था आज वही है। मैं भी ये पूछना चाहता हूँ आम आवाम से, अपने लालगंज विधानसभा के तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 से आगे हम लोग बढ़े हैं या माइनस हुए हैं, या क्या विकास हुआ हमारे किसान को, मजदूर को, गरीब गुरबा को, हमारे नौजवान को, हमारे बिजनेसमैन को, हमारे लालगंज के स्वर्णिम विकास को जिस रफ्तार में था, ये मेरा प्रश्न है। मैं भी मैं तो यहाँ लोगों का सेवा करता था। लोगों ने नया जिंदगी हमको दिया था, लोगों ने नया लाइफ हमको 2000 में दिया था। तो आप जब इस बार उतर रहे विधानसभा चुनाव में, तो आपका विशेष मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी होगा या फिर बहुत सारा मुद्दा है? लालगंज के तमाम गरीब गुरबा, विकास, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब कुछ, पूरा दोनों प्रखंड के 4200 पंचायत का मुद्दा मेरे साथ। क्या लगता है आपको, इस बार बहुत सारे नए चेहरे भी आ रहे हैं, तो आप जनता का दिल जीत पाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी को भी कोई भी आ सकता है, उसके लिए किसी को रोक नहीं है। ये तो आम आवाम तय करेगी, वो किसको चाहती है, किससे उम्मीद है, किस पर ट्रस्ट है, किस पर विश्वास है। ये तो विश्वास की बात है ना, जब तक विश्वास नहीं होगा जनता आपको नहीं चुनेगी। जनता तो आप पर विश्वास जता चुकी है, आप लालगंज का सेवा बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बार का मतलब क्या करना चाहते? नहीं, जरूर मैं सेवा किया हूँ और मन करम वचन के साथ मैं किया हूँ, तो और मैं करता रहूँगा। तो एक और सवाल कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अगली बार सारी जिम्मेदारी युवा की है। हमारे 4200 पंचायत में 60% युवा हमारे वोटर बन चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आगे बढ़े और अपने लालगंज के स्वर्णिम विकास को चुनने का काम करें, तय करें, निर्णय करें, जिम्मेदारी लें, आगे बढ़ें। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं, जो उम्मीद रखते हैं आपसे, क्या आप उस उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? जरूर भरसक मैं प्रयास करूंगा, करता आया हूं, करता रहूंगा। सर एक बार मैं फिर से यही पूछना चाहूंगा कि लालगंज के वर्तमान विधायक है, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? यही मैं तो पहले कहा कि मेरा ही यही प्रश्न कि लालगंज 5 वर्षों में कहाँ है, कहाँ था, आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा या माइनस में चला गया, मेरा ही प्रश्न है। मैं पहले आपको कहा, मैं ये खुद प्रश्न आम आवाम से पूछना चाहता हूँ। मैं तो लालगंज में नौकरी करता था, लालगंज के आम आवाम के बीच में लोगों का सेवा करता था, गरीब गुरबा का सेवा करता था, सुख दुख बांटने का काम करता था, सुख श्राद्ध मैं करने का काम किया।
मेरे ऐसे आदमी को लोग नौकरी छोड़ा दिया बीच में, तो मेरा तो खुद यही प्रश्न है और मैं लोगों से पूछूंगा, मैं जरूर कल परसों एक दो दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं पूछूंगा कि आप तय करना आपको है, हम कहाँ थे, कहाँ चले आए, कहाँ जाना था। हम जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू तो होने वाला 2 तारीख से है, लेकिन लगता है कि 2 तारीख को बृहस्पति है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बृहस्पति को, क्योंकि हम लोगों का मान रहता है, तो फ्राइडे से शुक्रवार से शुरू करें और शुक्रवार से मैं शुरू करूंगा, एक दिन लालगंज प्रखंड में और एक दिन भगवानपुर प्रखंड में, यही क्रम दौरा रहेगा। मैं लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने का काम करूंगा, लोग आम आवाम जो तय करेगा वही मैं। धन्यवाद सर आपका।